हरियाणा के रहने वाले अरविंद कुमार यादव जो 29 वर्ष के हैं, उन्हें नशा मुक्ति अभियान जागरूकता की ऐसी जुनून सवार हुई कि पैदल ही भारत यात्रा पर निकल चुके हैं, जो 108वें दिन मुंगेर पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने 7 राज्य की यात्रा को संपन्न कर लिया है और 8वें राज्य बिहार में वह प्रवेश करके अब अंतिम पायदान पर चल रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान होते हुए दक्षिण भारत की तरफ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि मैं पूर्व में रेलवे के एसी कोच के अटेंडेंट सुपरवाइजर में काम करता था, वहीं मैंने कोच में देखा कि कुछ लोग नशा कर रहे हैं और जब मैंने उन्हें समझाया तो वो समझ गए। तो इन्हीं बात को लेकर मैं चला हूं कि जहां भी ऐसे लोग मिलेंगे उसे जागरूक करूंगा और नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह यात्रा 7600 किलोमीटर की पूरी हो चुकी है और यह लगभग 24000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करेंगे। लक्ष्य है कि नशा मुक्त भारत, और मैं तकरीबन 108 दिन हो गए हैं वैसे मेरे को और चले हुए, और अरुणाचल की भीतों से स्टार्ट करके और मैं कोटेश्वर गुजरात तक जा रहा हूँ, और आज मेरा 8 स्टेट कंप्लीट हो गया है और अभी मैं बिहार में 9 स्टेट में। उसके बाद आप बिहार कंप्लीट के बाद किधर निकलेंगे? बिहार के बाद मैं यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, फिर गुजरात और फिर साउथ में। अभी कितने किलोमीटर लगभग आप चल चुके हैं पैदल? 7600 कुछ किलोमीटर हो गया है। पूरा जब भ्रमण करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 से 24 हज़ार। इसका कुछ फ़ायदा लग रहा है कि लोगों को, ये आप जो संदेश देने निकले हैं तो कुछ लोग मान रहे हैं आपकी बातों को? हाँ, कुछ लोग मान रहे हैं, तो मैं अपना यही सोचूंगा कि मेरा अभी सक्सेस हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं मान रहे लेकिन काफ़ी लोग हो रहे हैं इसके। और कहाँ से प्रेरणा मिली ये करने की? जहाँ पे मैं जॉब करता था वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली, जो मेरा रेलवे में एसी कोच में अटेंडेंट सुपरवाइजर था मैं, वहाँ पे एसी कोच के अंदर भी कुछ लोग अपने सिगरेट वगैरह और अपने दारू वगैरह जो भी पी रहे थे, तो उससे उसको देख के मेरे को थोड़ा प्रेरणा मिला कि जब मैं हमारे वहाँ पे कहने से कुछ बंदे 2 या 4 दिन के लिए छोड़ रहे हैं वो चीज़, तो वहीं से वो छोड़ सकते हैं इस चीज़ को परमानेंट के लिए भी। तो आप उसी बात को लेकर चल रहे हैं? हाँ जी सर। परिवार में कौन है, पापा क्या करते हैं? पापा रेवाड़ी डीसी ऑफिस में पीएन है और मम्मी हाउसवाइफ है, और परिवार एक संयुक्त परिवार है, यानी कि बड़ा परिवार है, पूरा जॉइंट फैमिली है अभी हमारा। पत्नी है आपकी? बच्चे? हाँ जी बिल्कुल, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। गांव कौन सा है आपका? गांव मेघनवास, डिस्ट्रिक्ट पेंद्रगढ़ और जिला हरियाणा। युवक अरविंद यादव के पिता हरियाणा के डीसी ऑफिस में प्यून के पद पर काम करते हैं। युवक की शादी 6 साल पूर्व हो चुकी है और इन्हें 2 बच्चे भी हैं। अरविंद यादव ने बताया कि सामूहिक परिवार रहने के कारण अभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकल चुका हूं। मुंगेर से न्यूज 18 के लिए सिद्धांत राज की रिपोर्ट।